में एक बार फिर से खेल सकते हैं। और चलिए अब बात जबलपुर की करते हैं, जहां पर मॉनसून निष्क्रिय हो चुका है। बारिश रुकने से इलाके में गर्मी बढ़ गई है, दिन और रात में भी उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है, जबलपुर समेत पूर्वी क्षेत्र के जिलों के लिए अनुमान जताया गया है 2 से 3 दिन तक ऐसे ही हालात बने रहने के आसार हैं। 6 सितंबर से बारिश होने के पूरे आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बन रहा है, जिसकी वजह से जबलपुर समेत पूर्वी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है 2 से 3 दिन तक। हालांकि गर्मी चूंकि बढ़ी हुई है, तो 2 से 3 दिन तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे, लेकिन 6 सितंबर से कहा जा रहा है कि बारिश होगी। मौसम विभाग ने इसे लेकर तमाम जानकारियां भी साझा की हैं। तो जबलपुर में हालांकि अभी लोग गर्मी से परेशान हैं, 2 से 3 दिनों तक उमस बनी रहने की संभावना है। तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, लेकिन 6 सितंबर से मौसम विभाग के अनुसार 6 सितंबर से ऐसा अनुमान है कि कई इलाकों में बारिश हो सकती है और एक बार फिर से मौसम सुहाना हो सकता है। तो आप देखिए लगातार क्योंकि मॉनसून जबलपुर में निष्क्रिय है, ज्यादा बारिश नहीं हुई है पिछले साल से अगर तुलना करें तो। ऐसे में लगातार किसान परेशान थे, लोगों को गर्मी झेलनी पड़ रही थी, लेकिन अब मौसम विभाग की ओर से ये बताया गया है कि चूंकि बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम एक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से अब मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 6 सितंबर से बारिश होने के आसार हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश हो सकती है। हालांकि अभी जो गर्मी बनी हुई है, 2 से 3 दिन तक उमस और भी ज्यादा बढ़ सकती है, यानी कि 2 से 3 दिन लोग गर्मी से परेशान रह सकते हैं। तो जबलपुर में मॉनसून निष्क्रिय हो चुका है, बारिश रुकने से इलाके में गर्मी बढ़ गई है, तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, दिन और रात में भी उमस की स्थिति बन जाती है, ऐसे में लोग परेशान हैं। हालांकि मौसम विभाग ने यहां पर अनुमान जताया है कि जबलपुर समेत पूर्वी क्षेत्र में ऐसे हालात रहने के आसार हैं। 6 सितंबर से बारिश हो सकती है और 6 सितंबर के बाद मौसम एक बार फिर से सुहाना हो सकता है। तो देखिए, चूंकि पहले हम आपको बता रहे थे किस तरीके से बारिश का दौर जारी है, नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन अब कुछ दिनों से जो मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी थी वो बिल्कुल धीमी हो चुकी है, बिल्कुल ठंडी पड़ गई है और अब जबलपुर में खासकर मॉनसून निष्क्रिय हो चुका है पूरी तरह से। हालांकि 6 सितंबर से यह अनुमान लगाया गया है कि मॉनसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ सकता है, यानी कि बारिश हो सकती है। तो जिस गर्मी से लोग परेशान थे, अच्छी बारिश के लिए विशेष अनुष्ठान भी किया जा रहा है अलग अलग इलाकों में। तो यहां पर देखिए